नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। आ गया है यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। दोस्तों, लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड आ चुका है। आकांक्षा पुरी अपने जिया शंकर और अभिषेक मल्हान, तीनों के बीच में जो ये कंपटीशन है, कौन निकलेगा आगे, कौन है पीछे, इसके बारे में एग्जैक्ट रिपोर्ट आपको बताता हूं। अगर आपने मेरे नए दूसरे चैनल राहुल भोज कॉमेडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है यारो, जाओ जाके वहां पर ढेर सारा प्यार बरसाओ, यानी कि उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। यू विल डेफिनेटली गोना लव दैट कंटेंट। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये जो तीन लोग जो कि कहीं ना कहीं अपनी ही गलती के चलते नॉमिनेट हो गए हैं, अब मैं क्या बताऊं, क्या ही बताऊं, राइट? ओपनली डिस्कस कर रहे हैं ये नॉमिनेशन। खैर, वैसे आपको बता दूं तो बिग बॉस के 16वें सीजन में भी डिस्कशन ओपनली होता था, बट पता नहीं क्यों बिग बॉस बड़ी कन्वीनियंट वे में जो है किसी के ऊपर रूल लागू होता है तो वो कर देते हैं, किसी के ऊपर नहीं होता है तो वो नहीं करते हैं। मतलब वो जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बन रहा हमारा देश का कि वन नेशन वन लॉ, वैसे ही हमारे बिग बॉस में नहीं है वन बिग बॉस वन लॉ, ऐसा नहीं है। बिग बॉस में भी चेंजेस होते रहते हैं, बिग बॉस में भी अपनी सहूलियत के हिसाब से वो चीजें करते रहते हैं। अब यहां पर दोस्तों, बिग बॉस में आकांक्षा से लेकर जिया से लेकर अभिषेक, इन तीनों को जो है घर से बाहर होने के लिए नॉमिनेट कर दिया। और जो वोटिंग ट्रेंड आ गया है दोस्तों, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, सबसे लास्ट पोजीशन पर और कोई नहीं बल्कि है आकांक्षा पुरी। जी हाँ दोस्तों, 100 में से लगा लीजिए 65% जो जनता है वो चाहती है कि आकांक्षा पुरी जो है आउट हो जाए। समझ रहे हैं आप दोस्तों, सबसे लास्ट पोजीशन पे है वो। फिर उसके बाद एक ऊपर उनके आती हैं जिया शंकर। मुझे आई एम जस्ट अमेज्ड कि जिया शंकर को 28% लोग चाहते हैं कि वो घर से बेघर हो जाए, राइट? अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है आकांक्षा पुरी और जिया शंकर के बीच में, तो अगर नॉमिनेशन होता है तो कहीं ना कहीं आकांक्षा पुरी का हो सकता है, राइट? लास्ट टाइम भी मैंने बोला था आलिया का होगा, उससे पहले भी मैंने बोला था कि पलक या बेबिका के बीच में होगा, लेकिन बेबिका को नहीं निकालेंगे क्योंकि बेबिका कॉन्टेंट दे रही है। वहीं आकांक्षा और जिया शंकर के बीच में कॉम्पिटिशन हो सकता है। देखो, अब इनके बीच में ये है कि दोनों में से जो कंटेंट दे दे वो जो है बच जाएगा, राइट? चाहे वो जिया शंकर हो चाहे वो आकांक्षा पुरी हो। फिर उसके बाद नंबर वन पे अभिषेक मल्हान आते हैं। अभिषेक को मैक्सिमम वोट मिले हैं, मतलब कि अगर 100 में से बात की जाए तो लगभग 94% लोग चाहते हैं कि अभिषेक जो है वो घर पे रहे, राइट? और वो चाहते हैं कि अभिषेक जो है अपने मास्टर माइंड को दिखाते रहे। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, तो आकांक्षा के लिए काफी लोग जो है सोशल मीडिया पे हैशटैग चला रहे हैं, लोग अभिषेक मल्हान को भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, अभिषेक के लिए भी कह रहे हैं कि बंदे को वोट दो, जेन्युइन है। तो ऐसे में देखते हैं कि कौन जीतता है कौन हारता है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। आपका क्या है कहना जरूर बताएं, और बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें चली खजाना। बाय बाय।